एनवायरमेंट सुबह 10 बजे, टीचिंग एप्टीट्यूड सुबह 10:30 बजे, रिसर्च एप्टीट्यूड सुबह 11 बजे, हायर एजुकेशन 11:30 बजे, मैथ्स एंड रीजनिंग दोपहर 12 बजे, डाटा इंटरप्रिटेशन दोपहर 12:30 बजे, करंट अफेयर्स दोपहर 1 बजे, लॉजिकल रीजनिंग दोपहर 1:30 बजे। गाइस, आपको वॉइस क्लियर है? लेट मी नो। वॉइस क्लियर है गाइस? लेट मी नो। ओके, एक बार सभी बताइए गाइस, आवाज आ रही है क्या आपको? एक बार प्लीज। ओके ओके, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, अभी हो जाएगा गाइस। हेलो एवरीवन, गाइस प्लीज नाउ चेक, अभी आपको क्लियर है? एक बार सभी बताइए प्लीज मेरे को कि आपको वॉइस क्लियर है क्या? थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था गाइस, तो फिर हमने दोबारा क्लास स्टार्ट कर दी है। प्लीज एक बार मेरे को बताइए सभी कि आपको साउंड क्लियर है, वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताइए प्लीज एक बार चेक करके सभी लोग। प्लीज एक बार बताइए आपको वॉइस और साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है आपको? ओके गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और प्लीज एक बार वीडियो को फिर से आप शेयर और लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे दोबारा से लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक थी, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एंशियंट यूनिवर्सिटीज की, और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो गाइज बात करते हैं, सबसे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। और गाइज जो कल बात की थी मैंने, कल हमने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पढ़ लिया था, उसके बाद में जगदाला को भी पढ़ा था, और हमने नालंदा को पढ़ लिया था गाइज, तक्षशिला को पढ़ लिया था, वल्लभी को पढ़ लिया था, ये सारी यूनिवर्सिटीज हमने कर ली थी। आज जो हमारी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार प्लीज मेरे को बताइए कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसका फाउंडेशन किसने किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने किया था, सभी कमेंट करके बताएंगे इसके फाउंडर कौन थे, क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है ये। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, इसका सभी कमेंट करके बताइए। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो आप बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंडेशन किया था? एग्जैक्टली धर्मपाल इसके फाउंडर थे। ठीक है, धर्मपाला इसके फाउंडर हैं, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गाइस
पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। आज हम पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी से शुरुआत करने जा रहे हैं और 4 से 5 एनसीएट यूनिवर्सिटीज का हम पढ़ेंगे और उसके बाद में गाइस हम करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों हमारे साथ के साथ में चलेंगे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए, ठीक है। तो गाइस आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लासरूम से ही क्लियर हो जाएंगे, यानी आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखिए, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी से। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है उड़ीसा से, ठीक है। अब देखो पुष्पागिरी यानी उदयगिरी, ये उदयगिरी और पुष्पागिरी, ठीक है। उदयगिरी इज अ पार्ट ऑफ पुष्पागिरी, उदयगिरी और पुष्पागिरी से आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों एक ही है, यानी उसका पार्ट है, ठीक है। तो द स्कूल ऑफ पुष्पागिरी वॉज स्टेब्लिश इन द 3rd century एज प्रेजेंट उड़ीसा। सबसे पहले याद रखना कि कौन सी शताब्दी में स्टेब्लिश हुई थी, 3rd century में। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई आपको, उड़ीसा में है। उसके बाद में कौन सी सेंचुरी में, 3rd century में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है गाइस। और दोस्तों यहाँ पे ये एक हायर एजुकेशन का सेंटर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से करना है और आपको देखना है कि ये जैन जो हमारी एजुकेशन है, जैनिज्म का ये सेंटर रहा है, ये आपको याद रखना है, जैनिज्म का ये सेंटर रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये इसका जो कैंपस है दोस्तों, ऑफ द 3 महावीरा कैंपस, ललितागिरी इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक इज द ओल्डेस्ट, यानी इसका जो सबसे जो ओल्डेस्ट कैंपस है वो कौन सा है, ललितगिरी, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, महावीरा है, ललितगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे इसका ओल्डेस्ट कैंपस है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये सारे। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से थे, कि ललितगिरी और अपना रत्नागिरी और उदयगिरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, ये उदयगिरी के ही, इसके पुष्पागिरी के ही पार्ट है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन सा है, ललितगिरी वाला, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, ललितगिरी, उदयगिरी और हमारा है कौन सा, रत्नागिरी। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, इसी के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, किसने कब फाउंडेशन हुआ था, 3rd century में, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, महावीरा, जो ललितागिरी में है दोस्तों। ये सारे के सारे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड आइकोनोग्राफिक एनालिसिस इंडिकेट दैट ललितागिरी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ललितगिरी कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है, सुंग, जो सुंगा पीरियड था उसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक ही आपको यूनिवर्सिटी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सेंटर पूछ सकता है कि यहाँ किसकी एजुकेशन दी जाती थी, आपको इसके कैंपसेस पूछ सकता है। तो कैंपस ललितगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया और हमारा रत्नागिरी हो गया, 3rd century में हुआ था, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है गाइस, ओके। नाउ उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है उधमपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उधमपुर यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पे है, ये है, सभी एक बार कमेंट करके बताइए, उधमपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है दोस्तों, ये बिहार में है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी हैड बीन एस्टेब्लिश लॉन्ग बिफोर द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी केम इनटू पावर इन मगधा, ठीक है। ये बिहार में है, मगध वाले एरिया में है गाइस, ठीक है। और हम बात करें कि नालंदा और तक्षशिला के कंपैरिजन में उधमपुरी है, वो इतना फेम उसको नहीं मिल पाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म के जो स्प्रेड करने में इसकी बहुत भूमिका होती है। और यहाँ से दोस्तों स्टूडेंट की बात करें तो तिब्बत जो हमारे है वहां से भी इसके स्टूडेंट आते थे, यानी सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी कि कहाँ पे है, कौन सा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन मेनली किसकी दी जा रही है, बुद्धिज्म की। तो ये सारी चीज आपको याद में रखनी है उधमपुरी के लिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मिथिला का। अब एक बार मेरे को सभी कमेंट करके बताइए कि मिथिला कहाँ पे है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे गाइस कि मिथिला कहाँ पे है। तो दोस्तों इन द उपनिषदिक एज मिथिला बिकेम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मिनिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने क्या बात की है गाइस, अभी तक बुद्धिज्म और जैनिज्म के मेनली बात की है, ठीक है, कि बुद्धिज्म के सेंटर हैं और जैनिज्म के सेंटर हैं। लेकिन अभी जो ये मिथिला वाला है दोस्तों, ये किसका है, ये हिंदुज्म यानी ब्राह्मिनिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का ये सेंटर हुआ है गाइस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है,
कि मिथिला कहाँ पे है। मिथिला भी दोस्तों बिहार वाला रीजन है, बिहार में ही है मिथिला, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा बिहार। और ये किसका सेंटर हुआ है, ये ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम का ही सेंटर हुआ है। और इसको दोस्तों विदेही भी बोलते हैं, विदेह, ठीक है। और यहाँ पे जो राजा जनक हुए हैं उन्होंने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की थी, कहाँ पे, विदेह में, वेयर द लर्न्ड सीज एंड पंडित्स टुक पार्ट इन रिलीजियस डिस्कशन। तो दोस्तों आप अगर आपने जब पीएचडी करोगे या फिर यूनिवर्सिटीज में हो तो वहां पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, संगोष्ठियां होती है ना, तो पुराने टाइम में भी ये संगोष्ठियां हुआ करती थी। तो यहाँ पे राजा जनक हैं, उन्होंने विदेह में क्या क्या किया था दोस्तों, एक संगोष्ठी की थी। विदेह कौन सा है, ये मिथिला रीजन को भी हम विदेह रीजन बोलते हैं गाइस। हाँ, मिथिला बिहार में ही है, ठीक है। और दोस्तों फ्रॉम 12th to 15th सेंचुरी जो मिथिला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है हमारे नलिंग का। और यहाँ पे क्या क्या, किस किस की पढ़ाई होती है, कल्चर की, लिटरेचर की, फाइन आर्ट्स की, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो टोट, देर वाज अ न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र किसको बोलते हैं दोस्तों, ये हमारी एंशियंट फिलोसफी है, ठीक है, न्याय शास्त्र, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, बिहार में है जी, ठीक है। और दूसरा चीज, विदेह वाला रीजन ही मिथिला को बोलते हैं, और ब्राह्मणिकल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती थी। राजा जनक ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिसमें बहुत सारे पंडित और ऋषियों ने पार्ट लिया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जब थोड़े से टाइम बाद लॉर्ड कृष्णा, यानी जो भगवतीजम है यहाँ पे, ठीक है, यानी भगवान कृष्ण के डिवोटी भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम का ही सीट है, ये याद रख लोगे अपना काम निकल जाएगा गाइस। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फेमस पोएट विद्यापति, उन्होंने यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि जो फेमस पोएट है विद्यापति, ये किससे रिलेटेड थे, तो ये आपको बताना है कि मिथिला से ये रिलेटेड थे, ओके, ठीक है। और मिथिला प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ स्कॉलर एंड लिटरेरी सेलिब्रिटी, यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज, यहाँ से बहुत सारे जो स्कॉलर है वो निकले हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछेगा, यहाँ पे एरिया पूछ सकता है, आपको एक पर्टिकुलर नेम दे देगा, यदि विद्यापति दे देगा, बोलेगा इससे किससे रिलेटेड था, ठीक है, तो आपको बताना है कि मिथिला से रिलेटेड था। सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ शिक्षा दी जाती थी, ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। और दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्याय शास्त्र के एजुकेशन दी जाती थी, यहाँ पे तर्क शास्त्र के बारे में बताया जाता था, और गणेशा उपाध्याय फाउंडेड द स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक, यानी नव्य न्याय, इन्होंने किसने फाउंड किया था, गणेशा उपाध्याय ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यू लॉजिक यानी नया न्याय। एन इपोच मेकिंग वर्ड वर्क नेम तत्वा चिंतामणि हैड बीन रिटन, यहाँ पे एक तत्वा चिंतामणि का भी यहाँ पे ही क्या हुआ था, लिखी गई थी। तो आपसे काफी क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं कि यहाँ पे न्यू लॉजिक को किसने फाउंड किया था, गणेशा उपाध्याय ने, एक चीज मेरे को ये याद रखनी है। दूसरे आपसे पूछे कि तत्वा चिंतामणि का कहाँ पे लिखी गई थी, तो आपको याद रखना है कहाँ पे लिखी गई थी दोस्तों, मिथिला में, एग्जैक्टली, ठीक है, मिथिला में आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों, इवन अप टू द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर इट कंटिन्यू द फ्लरिश एज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर क्रेडिट विद द कंट्री वाइड रेप्यूट, यानी आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये मुगल पीरियड में भी थी, तो दोस्तों आपका आंसर होगा यस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि अकबर के टाइम तक ये यूनिवर्सिटीज थी, ये जो सेंटर था कौन सा, मिथिला, ये यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन यानी कल्चर, एजुकेशन और कल्चर दोनों यहाँ पे फ्लरिश हो रहे थे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इवन इन द बुद्धिस्ट पीरियड इट कंटिन्यूड ग्लोरियस टास्क्स एंड रिमेन एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर एंड लेटर ऑन दिस स्पेस प्रोड्यूस अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। बेसिकली आपसे कोई पूछ ले कि दोस्तों यहाँ पे जब जहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शन होंगे वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणिकल एजुकेशन का ही सेंटर है, तो आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये बुद्धिस्ट पीरियड में भी था, तो यस बुद्धिस्ट पीरियड में भी ये था, और बुद्धिस्ट की भी यहाँ पे चर्चा होती है, तो ठीक है। तो ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट दोनों पीरियड में फ्लरिश होता है, एक सेंटर होता है एजुकेशन का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सोमपुरा, तो प्लीज एक बार मेरे को बताइए आपको क्लियर है क्या गाइस, जितना मैंने अभी बताया आपको, जितनी चीजें आपको बताई, दो यूनिवर्सिटीज की बात की है, तीन की, एक पुष्पागिरी की बात की है, दूसरा उदंतपुरी की बात की है गाइस, और तीसरा किया है मैंने मिथिला की बात, तो आपको एक बार क्लियर है, एक बार लेट मी नो, एक बार थम्सअप करके सभी लोग बता दीजिए कि आपको क्लियर है क्या।
और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए गाइस। तो जो सोमपुरा है गाइस, ये दिस अगेन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एक दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन हुआ था, एक बार मेरे को बताइए दोस्तों, धर्मपाला के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन हुआ था। धर्मपाल ने दोस्तों, मैंने बताया था आपको, बताइए दोस्तों फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए। धर्मपाल के द्वारा दोस्तों दो यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी, एक तो सोमपुरा की बात अभी कर रहे हैं, दूसरी विक्रमशिला। मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही किया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने किया है, दोस्तों धर्मपाल ने, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। और सोमपुरा का भी किसने किया है, धर्मपाल ने, और दोस्तों 8वीं शताब्दी में किया है, और ये कहां पे है अभी, बंगाल, ठीक है, अच्छे से याद रखना कि जगह किसको याद रखना है, बंगाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरा का दोनों का फाउंडेशन किया है और ये बंगाल में स्थित है। और दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है 27 एकड़ ऑफ लैंड में, ये इसका कॉम्प्लेक्स है यानी इसका कैंपस है। और दोस्तों इसमें एजुकेशन किस किस की दी जाती थी, इसमें एजुकेशन दी जाती थी बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। अब यहां से क्वेश्चन हमारे मनते हैं, क्योंकि आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर बोलेगा कि यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट एजुकेशन होती थी या जैनिज्म की एजुकेशन होती थी, तो याद रखना है हमें कि यहाँ पे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, जैन धर्म के बारे में भी बताया जाता था, तो और हिंदू धर्म के बारे में भी बताया जाता था। ऑर्नामेंटल टेराकोटा ऑन इट्स आउटर वॉल डिपिक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज थ्री ट्रेडिशन, यानी इसका जो आर्किटेक्चर है दोस्तों वो भी यही दर्शाता है हमें कि यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों का ये सेंटर हुआ है एजुकेशन का, ठीक है। तो सोमपुरा के बारे में हमें ये याद रखना है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है और यहीं से आपके क्वेश्चन निकलेंगे गाइस। उसके बाद में दोस्तों है नादिया, ठीक है। अब नादिया क्या है दोस्तों, इसका नाम हम नवदीप भी बोलते हैं, नवादीप, ठीक है, नादिया को हम पहले नवादीप भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये बंगाल वाला रीजन है, ये हमारा जो बंगाल वाला रीजन है उसकी बात करें हम, बंगाल, ठीक है। तो और दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड जलंगी रिवर, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, यानी बंगाल में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये सेंटर हुआ करता था ट्रेड एंड कॉमर्स का, एज वेल एज लर्निंग कल्चर, यानी आपसे दो तीन क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ये ट्रेड का भी सेंटर हुआ करता था क्या, नादिया, कॉमर्स का भी हुआ करता था और एक शिक्षा का भी एक केंद्र रहा है एंशियंट टाइम में। और यहाँ पे बहुत सारे जो है स्कॉलर्स यहाँ पे पढ़ के निकले, जैसे हमने बात की थी तक्षशिला की, तो तक्षशिला से जैसे चाणक्य निकले हैं, चरक निकले हैं, वैसे ही यहाँ पे गाइस बहुत सारे जो स्कॉलर हैं यहाँ से पढ़ पढ़ के निकले हैं, यानी उनकी एजुकेशन यहीं से हुई है। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन इन नाडिया यूनिवर्सिटी वॉज इम्पार्टेड एट थ्री सेंटर्स, जैसे हमने अभी बात किया था ना कि जो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी थी उसका ललितागिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी तीन कैंपस हुआ करते थे, इसी तरह इसके भी तीन कैंपस हैं, जैसे नवादीप, शांतिपुर और गोपालपुरा। एक हो गया नवादीप, दूसरा हो गया शांतिपुरा, तीसरा हो गया दोस्तों गोपालपुरा। तो ये इसके मेन मेन सेंटर हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं तीन सेंटर हमारे पुष्पागिरी में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे नवादीप, शांतिपुरा और गोपालपुरा। और दोस्तों गीत गोविंद के बारे में आपने सभी ने सुना है, ठीक है, तो उसके जो रिलिक्स लिखे हैं, उसके जो शब्द लिखे हैं वो किसने लिखे हैं, जयदेवा ने, ठीक है। और गीत गोविंद तो आज भी लोग सुनते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल ये होता है, तो इसको तो आज भी लोग सुनते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेवा ने, ओके। इवन ड्यूरिंग द मोमडन रूलर्स नाडिया एंजॉय द पॉपुलरिटी एंड फेम एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर सच एज ब्रांचेज एज लॉजिक, व्याकरण, पॉलिटिक्स एंड लॉ। देखो अब यहाँ पे आप किससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे किस किस की एजुकेशन हो सकती थी, दोस्तों लॉजिक की, व्याकरण की और पॉलिटिक्स की और लॉ की, इसके लिए फेमस हुआ करता था क्या, नादिया, ठीक है। तो लॉजिक के लिए, व्याकरण के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, लॉ के लिए, ये सब्जेक्ट्स के लिए पॉपुलर हुआ करता था क्या, नादिया। तो ये आपको याद है, अच्छे से रखना है गाइस। और दोस्तों इसकी जो क्या नाम है, इसकी जो इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती है, उसका एक रीजन है, बेसिकली इतना डिटेल्स आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम्स में आपके कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटे नहीं। नाउ कि यहां पे जो नालंदा और विक्रमशिला का जब डाउनफॉल होता है तो इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और स्कूल ऑफ लॉजिक ओन्ड इस
एग्जिस्टेंस टू रघुनाथा शिरोमणि। अब सभी मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए गाइस कि रघुनाथा शिरोमणि है ये कौन है, ठीक है, फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी बताइएगा कि रघुनाथा शिरोमणि कौन है गाइस, फटाफट जल्दी से बताइए सभी। तो दोस्तों रघुनाथा जो शिरोमणि है ये एक फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने लॉजिक के बारे में हमें बताया है। रघुनाथा शिरोमणि एक फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने लॉजिक के बारे में बताया ना, स्कूल ऑफ लॉजिक इन्हीं की देन है, इनकी रघुनाथा शिरोमणि की, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो नादिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और मिडिल एज में भी इसका प्रोमिनेंट होता है। तो आपको एक तो गीत गोविंद मैंने बता दिया, जयदेवा ने, स्कूल ऑफ लॉजिक रघुनाथा शिरोमणि, और ठीक है ये आपको याद रखना है। लर्निंग एंड एफिशिएंसी इन डिस्कशन वाज कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में, यस इंडियन फिलोसोफर, वेरी गुड तन्वी। तो प्लीज आप सभी आंसर दीजिए दोस्तों, रघुनाथा शिरोमणि एक इंडियन फिलोसोफर हुए, इसको आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या दिया था, लॉजिक के बारे में हमें बताया था। और ये किससे रिलेटेड थे गाइस, ये नादिया से ही संबंधित थे। इनका जन्म भी नवदीप में हुआ था, यानी नादिया जो रीजन है वहीं पे इनका जन्म हुआ है, किनका, रघुनाथा शिरोमणि का। ओके ग्रेट गाइस, तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, प्लीज दोबारा से इसको एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपना जो इनिशिएटिव है ये सबको फायदा होना चाहिए। सलोटगी, ठीक है, सलोटगी इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये साउथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ है, यानी कर्नाटका में ये अवस्थित है दोस्तों। यहाँ पे 27 हॉस्टल हुआ करते थे, जहाँ पे अलग अलग पूरे देश के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, यानी अलग अलग रीजन के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने जाते थे, ये आपको याद रखना है। एंड दिस कॉलेज वर रिचली एंडोन्ड बाई नारायणा, यानी जो नारायणा होते हैं वो किसके मिनिस्टर होते हैं, कृष्णा सेकंड के। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद रख लेगा कि जो किंग्स हुआ करते थे गाइस, इसको आपको बताता हूँ, जो पुराने जब एंशियंट टाइम पे किंग्स हुआ करते थे, ये हमारे जो लर्निंग के सेंटर हुआ करते थे उसको काफी पेट्रोनेज दिया करते थे। लर्निंग सेंटर्स को ये क्या करते थे, पेट्रोनेज देते थे। और पेट्रोनेज के रूप में क्या देते थे, जैसे पहले के सिस्टम में क्या होता था गाइस, स्टूडेंट से फीस नहीं ली जाती थी, यानी फीस नहीं ली जाती थी तो एजुकेशन चलेगा कैसे। तो जो किंग्स होते थे दोस्तों, ये ग्रांट प्रोवाइड करवाते थे, यानी पेट्रोनेज दिया करते थे। तो इसी में जो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो नारायण होते हैं कृष्ण देव राय के, ये काफी यहाँ पे इसको हेल्प करते थे इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है सभी को। उसके बाद में दोस्तों एक सेंटर हुआ है हमारा उज्जैन, और दोस्तों ये हमारा एक फेमस सेंटर हुआ है सेकुलर लर्निंग का, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो आपसे पूछ ले कि उज्जैन क्या था दोस्तों, तो उज्जैन हमारा एक सेंटर रहा है, एंशियंट एजुकेशन सेंटर रहा है। उसके बाद में दोस्तों इनारियम इन तमिलनाडु, यहाँ भी फ्री बोर्डिंग एंड ट्यूशन 2-3 40 स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स है लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंस है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। और साउथ में दोस्तों और भी सेंटर हैं, जैसे श्रृंगेरी और कांची, ये भी एक लर्निंग के सेंटर हुए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि कांची क्या था, ठीक है, कांची एजुकेशन सेंटर से रिलेटेड है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। ओके नाउ आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर की गाइस, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप सभी लोग। तो दोस्तों करंट अफेयर में आज हम करने वाले विद्यादान, ठीक है। तो गाइस जब कोविड-19 हुआ तब ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी विद्यादान, कोविड-19 आया तब स्कीम चलाई थी। क्यों चलाई थी दोस्तों ये विद्यादान, सबसे पहले क्या याद रखना, MHRD की स्कीम है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की स्कीम है। और ये विद्यादान पहले 2 था, अब 2.1 आया विद्यादान। क्यों आया दोस्तों, फॉर इन्वाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, यानी आपके पास कंटेंट है तो आप डोनेट कर सकते हो। यानी विद्यादान का मतलब क्या है दोस्तों, विद्या का दान कर सकते हो। और कौन सा दान, जो डिजिटल आपके पास कंटेंट है उसका। सबसे पहली चीज ये याद रखनी है मेरे को, स्कीम्स किसकी है, MHRD की है। और दोस्तों ये एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम है, किस लिए आया है, टू डेवलप कॉन्ट्रीब्यूट ई लर्निंग कॉन्टेंट एंड चांस टू बी रिकॉग्नाइज नेशनली। यानी आपके पास अगर कंटेंट है तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। और दोस्तों विद्यादान इज कॉन्सेप्चुअलाइज एज अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री टू कंट्रीब्यूट ई लर्निंग, ठीक है। और दोस्तों एक याद रखना है कि स्कूल के लिए भी है और हमारी हायर एजुकेशन के लिए भी है। तो स्कूल
प्लस हायर एजुकेशन दोनों का ये कैटर करेगा कौन सा, विद्यादान। और दोस्तों ये जो विद्यादान पोर्टल है वो कौन से ऐप पे जाएगा, दीक्षा ऐप पे। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दीक्षा ऐप पे जाएगा। और दीक्षा ऐप क्या होता है दोस्तों, दीक्षा प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है। वो क्या है दोस्तों, ये टीचर्स स्टूडेंट एंड पेरेंट एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल टू रेलेवेंट प्रेस्क्राइब स्कूल करिकुलम। ओके, ये दीक्षा पोर्टल है। और दोस्तों इट इज अ बिल्ड टू कंसीडर द होल टीचर लाइफ साइकिल फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टूडेंट टीचर एनरोल इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू आफ्टर द दे रिटायर एज अ टीचर। यानी दीक्षा पोर्टल पे दोस्तों एक टीचर की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कहां से जब से वो टीचर बनेगा वो तब से वो रिटायर होगा, तो सारी की सारी एक टीचर की यहाँ पे बायोडाटा आपको मिलेगा किस पे, दीक्षा पोर्टल पे। तो दीक्षा पोर्टल है दोस्तों ये नहीं मैंने नहीं करवाई गाइस, फर्स्ट टाइम आपको स्कीम करवा रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। मैंने स्कीम पहली बार ही करवा रहा हूँ, मैं स्कीम्स आपके रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है ये टाइम कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, वैसे ही हमें हमारे पास बहुत कम टाइम है तो मैं सिलेक्टेड चीजें ही आपको करवा रहा हूँ। तो दीक्षा पोर्टल HRD के द्वारा मेंटेन किया जाता है और कब से चल रहा है दोस्तों, 2017 से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये सारी की सारी क्या क्या, विद्यादान 2.1 और दीक्षा पोर्टल, ठीक है। तो ये थी आज की पढ़ाई दोस्तों, और एक बार प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक दोबारा से कर दीजिए, और अपने कमेंट मेरे को फीडबैक दीजिए कि आपको लेसन कैसे लग रहे हैं, बाकी हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज एक बार अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड गाइस, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1, पेपर 2 में मैं आपके लिए हिस्ट्री डील कर रहा हूँ, और हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री दोनों हमारे चल रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री कल से स्टार्ट हुआ है, आज भी 4 बजे हमारी क्लास है गाइस, तो इसको अटेंड कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो Shiv10 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिए, इससे आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड गाइज, अपनी है 8:30 बजे आज स्पेशल क्लास है, कहाँ पे, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी पे, जिसमें हम एनवायरमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और 7 बजे है हमारी हिस्ट्री की क्लास, जहां से मैं जो कल्चर वाला पोर्शन है यानी इंडियन आर्किटेक्चर आपको आज एंशियंट इंडिया में पढ़ाऊंगा। नई सीरीज स्टार्ट करे हैं इंडियन कल्चर की, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर सारी की सारी आपको कवर करूंगा, जो 7 बजे हमारी पेपर 2 के लिए होने वाली है गाइज। तो इन दोनों क्लासों को प्लीज आप अटेंड कीजिएगा, 8:30 बजे स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, 7 बजे हमारी यूट्यूब पे है एंशियंट इंडिया की क्लास। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल मिलते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो NetJRF with Shiv चैनल से जुड़ जाइए। ओके गाइज, कल मिलते हैं और एक नए लेसन के साथ, बाय बाय।